हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ माय फिफ्थ वीडियो। ये मेरा पांचवा वीडियो है। आज हम लोग ये वीडियो में जो अपने क्वेश्चंस कवर करेंगे वो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इन डिटेल, पहले तो मैं थोड़ा आपको एक क्लियर कर दूँ कि जो मेरा फोर्थ वीडियो था, चौथा वीडियो जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर बनाया था, उसमें एक सिल्ली सी मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दिया था कि डी वाई बाई डी एक्स एट अ पॉइंट 1, -2। आंसर मेरा कैलकुलेट हुआ -31/14, लेकिन मैंने यहाँ पे -31/4 लिख दिया था, लेकिन वो -31/14 ही है। और आगे जाके मैंने कैलकुलेशन वही यूज किया, -31/14। जस्ट मैंने लिखने में मिस्टेक ये कर दिया था -31/4, सो इट इज नॉट -31/4, इट इज -31/14 ओनली। तो ये मुझे थोड़ा क्लियर करना था। मेरे चौथा वीडियो में थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक था, मैंने भूल गया था लिखने में, -31/14 के यहाँ पे 4 लिख दिया था। ओके, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, इट इज -31/14। बाकी आगे का सब करेक्ट है, कैलकुलेशन पूरा करेक्ट है, मैंने -31/14 लेके ही किया हूँ। नाउ मूव फॉर नेक्स्ट चैप्टर। तो आज हम लोग जो अपना वीडियो जो एग्जाम्पल्स कवर करेंगे वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चैप्टर मिला के 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में। नाउ लेट अस सी वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, टू अनबाइज डाइस आर थ्रोन इन द एयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 9 और एन इवन नंबर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर दो अनबाइज डाइस को आप लोग एयर में थ्रो करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो दोनों का सम यानी एडिशन, दोनों का टॉप का एडिशन, या तो वो आपको ग्रेटर देन 9 मिलेगा या नहीं तो आपको वो क्या मिलेगा, इवन नंबर। यानी दोनों का टॉप का एडिशन करके मोर देन 9 आना चाहिए या तो इवन नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या तैयार करना होता है, सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सैंपल स्पेस। सो टू डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस विल बी 1,1 से लेके 6,6 तक। तो आप लोग अगर टोटल काउंट करोगे तो एन ऑफ एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो आप लोग काउंट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 36। नाउ आपको इवेंट तैयार करना है, जो प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड आउट करना है उसका इवेंट तैयार करना होता है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर, सम ऑफ द नंबर, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर, इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है, सम ऑफ द नंबर बोला है, सम ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 9 और इवन नंबर। तो आपको ए सेट में वो कॉम्बिनेशन ही रखना है जिसका सम, टॉप मोस्ट का सम आपको इवन नंबर मिले या नहीं तो वो क्या मिले, ग्रेटर देन 9 मिले। तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे दो आपको अलग अलग इवेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही इवेंट के अंदर दोनों कंडीशन को लेकर चलना है, यानी सम ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 9 भी रहे और इवन नंबर भी रहे। तो अगर जो कॉमन रहता है दोनों में, सेम दोनों में आ रहा है, तो आप उसको एक ही बार लिखना है आपको। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा किए कि पहले हम लोग ने क्या किए, सम ऑफ द नंबर विच आर कमिंग इवन नंबर, जिसका इवन नंबर आता है दोनों का। तो स्टार्ट करो 1,1 से, तो 1,1 का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, तो वो इवन नंबर है तो वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फिर 1,2 करोगे तो वो ऑड नंबर आता है इसलिए उसको नहीं इंक्लूड किया। 1,3 करोगे तो 1+3 कितना होता है, 4, तो इवन नंबर, तो उसको आपने कॉम्बिनेशन में रखे हैं। इसी तरीके से 1,5, 2,2, 2,4, तो पहले कॉम्बिनेशन हम लोग ने जो तैयार किए हैं वो कौन से तैयार किए, इवन नंबर मिलने के, तो 6,6 तक का आपको क्या मिलेंगे, इवन नंबर। नाउ सेकंड, और क्या बोला है आपको, सम क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 9, तो सम ग्रेटर देन 9 आने के लिए आपके पास 4,6 पे क्या आता है, 10, तो वो तो ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर चुके हैं 4,6 इवन नंबर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाओ 5,1 से लेके 5,4, 5,4 तो 9 ही होता है, दोनों का एडिशन करें 9 होता है, ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो आप किसके पास जाना पड़ेगा नेक्स्ट, 5,5, तो 5,5 भी आपने इवन नंबर में इंक्लूड कर चुके हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बचता है आपके पास, 5,6, यस 5,6 का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर 11, और ये इवन नंबर भी नहीं है तो आपको इसको अपने सेट में इंक्लूड करना है, तो 5,6 आ गया। फिर नेक्स्ट आप जब जाओगे 6,1, 6,4, 6,4 भी 10 होता है लेकिन वो इवन नंबर में आपने उसको इंक्लूड कर चुके हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 6,5,
तो 6.5 दोनों का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 11, एंड विच इज ग्रेटर देन 9, तो उसका कॉम्बिनेशन भी इधर पे आ गया। अब इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई नंबर नहीं है, तो आपने पहले क्या किए वो सेट्स वो कॉम्बिनेशन सेट के अंदर वो कॉम्बिनेशन यूज किए जिसका एडिशन इवन नंबर आता है, और फिर उसी के बाद में आपने वो कॉम्बिनेशन भी लिखे बाजू में जिसका सम ग्रेटर देन 9 आता है। तो जो रिपीट हो रहा था उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा बच रहा था जो रिपीट नहीं हुआ है उसी को सिर्फ लिखने की जरूरत है। अब आप लोग जब ये काउंट करोगे पूरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इस ए सेट में, तो यू विल गेट अराउंड 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए कितने आए 20। नाउ प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन क्या है, पी ऑफ ए इज गिवन बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना आया 20, डिवाइड बाय एन ऑफ एस कितना है 36, 20 डिवाइड बाय 36 आपने कर लिया कितना आया 5/9, 4 5s are 20, 4 9s are 36। सो देयरफॉर फाइनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज कितना आया 5/9, कैलसी में डिवाइड करके देख लोगे तो 0.56 आएगा। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। तो ये वो सब एग्जाम्पल है जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सेकंड एग्जाम्पल, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड 5 व्हाइट कॉमा 5 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर एक बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग कलर के बॉल हैं जिसमें से 10 रेड हैं, 5 सफेद हैं, 5 काले हैं, तो अगर उस बॉक्स में से आप 2 बॉल को रैंडमली बाहर निकाल लेते हो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए 10 5 15 5 20, तो अगर उस 20 बॉल में से आप 2 बॉल को रैंडमली बॉक्स में से बाहर निकालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो दोनों सेम कलर के नहीं मिलेंगे। आपसे ये पूछ रहे हैं दोनों सेम कलर के नहीं मिलना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको मैंने जो तरीके से सॉल्व किया उससे आपके दो फायदे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अगर दोनों सेम कलर के मिले तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और अभी जो आपको पूछा गया है सेम कलर के नहीं मिलना चाहिए तो वो तो आप अभी सॉल्व कर रहे हो। तो अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे दोनों सेम कलर मिलने की। तो दोनों सेम कलर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा नॉट ऑफ द सेम कलर। 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट करना होता है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है। मैं आपको बता चुका हूं प्रोबेबिलिटी की रेंज मैथमेटिक्स में क्या है 0 से लेके 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल है उसकी क्या होती है 0, और जो 100% होने वाला है इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी की रेंज है 0 to 1। तो जो भी आंसर आपको अगर अपोजिट आंसर चाहिए तो जो आंसर आपका आ रहा है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो आपको अपोजिट का आंसर मिल जाएगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। नाउ लेट अस सी हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या किए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 5 white 5 black and 10 red, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए 20 बॉल्स। अब 2 बॉल्स को रेंडमली बाहर निकाला गया है तो एन ऑफ एस, इसका जो एन ऑफ एस बनेगा वो कौन से पैटर्न से बनेगा एनसीआर पैटर्न। एनसीआर का पैटर्न क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे उसमें से रेंडमली कितने को निकाला गया, तो वी आर टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ कितने में से 20 में से, तो इसलिए इसका लिखा गया है 20C2, वी आर टेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 20 बॉल्स। तो आप कैलसी में इसको डाल के देख लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 20C2 इज इक्वल टू कैलसी में कितना आ जाएगा 190। नाउ अब अलग अलग इवेंट तैयार करो आप लोग, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, मैं आपको जैसे बोला होगा हम लोग पहले क्या करेंगे सेम कलर मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने होती है उसमें से ही रेड बॉल मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने दिया हुआ है क्वेश्चन में 10। तो जो 2 रेड बॉल सेम कलर के मिलेंगे वो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स में से ही मिलेंगे ना, तो ये कितना हो गया 10C2, तो 10C2 इसका कैलसी में आंसर आ जाएगा आपका 45। मैं आपको बता चुका हूं ये जो आंसर आप लोग निकालते हो कैलसी में वो कहां पे यूज करके निकालते हो, डिवाइड बटन के ऑप्शन में लिखा होता है स्मॉल में येल्लो में एनसीआर। तो आपको पहले क्या करना है, अगर 10C2 की वैल्यू निकालना है तो पहले कैलसी में क्या कर लो 10 को प्रेस कर लो, 10 ले लो, फिर उसके बाद आपको C लेके आना है, तो C लेके आने के लिए शिफ्ट बटन दबा के डिवाइड का बटन प्रेस करो तो C आ जाएगा, और फिर इसके बाद में जो R की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 प्रेस करो इक्वल टू का दो आंसर आ जाएगा 45। नाउ अभी दूसरा हम लोग क्या निकालना है, लेट B बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल सेम कलर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसके लिए इवेंट तैयार करेंगे तो उसको B से डिनोट किए, तो N ऑफ B, तो जो
टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है उसी में से दोनों व्हाइट मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं, पांच, तो 5C2 कितना आ गया कैल्सी में 10। सिमिलरली थर्ड जो इवेंट तैयार करेंगे वो किसके लिए, दोनों सेम कलर ब्लैक कलर के बॉल मिलने के लिए, तो लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल्स, तो एन ऑफ सी यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो भी कितने नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, 5, तो 5C2 इजी का टू कितना आ गया 10। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम कलर पूरा ओवरऑल देखा जा रहा है ना कि ओवरऑल दोनों सेम कलर के मिलना चाहिए, तो ओवरऑल के लिए एक नया इवेंट का नाम दिए हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 सेम कलर बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब तीनों में से कौन सी भी सिचुएशन अगर हो सकती है, यानी दोनों रेड भी मिल सकते हैं या दोनों सफेद भी मिल सकते हैं या दोनों काला भी मिल सकते हैं, तो तीनों के बीच में क्या है, और की सिचुएशन है, और प्रोबेबिलिटी में जो और की सिचुएशन होती है तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं, कैलकुलेशन में प्लस से, एडिशन से, तो पी ऑफ ए इजिकल टू क्या हो गया, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस प्लस पी ऑफ बी क्या हो गया, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस प्लस पी ऑफ सी क्या हो गया, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। ना तीनों का एडिशन किया, 45 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन में एन ऑफ एस कॉमन है, तीनों के बीच में एन ऑफ एस कॉमन है, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 190, तो तीनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 190, तो 65 डिवाइडेड बाय 190 आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करके 13/38। तो ये जो प्रोबेबिलिटी मिली, ये आपको जो प्रोबेबिलिटी मिली वो सेम कलर मिलने की मिली, हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि हमको सेम कलर मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन ये था कि दोनों सेम कलर के नहीं मिलना चाहिए, तो ये दोनों सेम कलर मिलने की प्रोबेबिलिटी मिली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट सेम कलर, जैसा कि मैंने बताया आपको, अब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के लिए आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 1 से, तो 1 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1 - 13/38 आपको आंसर आ जाएगा 25/38। तो देखो ये इस तरीके के सॉल्व करने से आपके दो तरीके के सॉल्व हो गए, या तो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था दोनों सेम कलर के मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो जैसा मैंने सॉल्व किया है वो यहां तक का आंसर जो आया वो सेम कलर मिलने की आया है, अगर क्वेश्चन में आ जाए नॉट ऑफ द सेम कलर, तो नॉट ऑफ द सेम कलर के लिए क्या करना है, आपको वो जो सेम कलर की प्रोबेबिलिटी मिली उसी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है 1, तो कोई भी आंसर अगर उसका अपोजिट आंसर निकालना होता है तो उसको किससे सब्ट्रैक्ट करना होता है 1 से, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करके उसका अपोजिट प्रोबेबिलिटी आंसर आ गया, दैट इज नॉट ऑफ द सेम कलर 25/38। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो आगे आप कभी भी क्वेश्चन आए अगर आपको अपोजिट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आपको उसको किससे सॉल्व किससे सब्ट्रैक्ट करना है, मैक्सिमम वैल्यू 1 से। Now let us see another example. मैंने वही सब एग्जाम्पल लिया हूं जो बोर्ड में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो एक क्वेश्चन आपके सामने जो लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट ज्यादातर कभी कभी देखा गया यही आता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिया गया है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश उसकी वैल्यू दिया हुआ है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दिया हुआ है 2/3, फाइंड क्या करने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, यानी ए डिवाइडेड बाय बी। नाउ सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर करा दूं, अगर कभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बी डैश करके देता है तो सबसे पहले उसकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको बी डैश तो यूज नहीं होने वाली फॉर्मूले में, आपको जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जैसा बताया कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को किससे सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपका आंसर कितना आ गया 1 - 2/3 किए तो आंसर कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/3, क्योंकि 3 - 1 - 3 - 2 - 1 - 1/3, तो 1/3 आ गया। तो पहले आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट की है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश दिया हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 1/3। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आपसे फाइंड क्या करने बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेशन बी डैश। नाउ यहां पे आपको मैं क्लियर करा दूं, पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेशन बी डैश, तो आपको यहां पे डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करना है। व्हाट इज डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, तो ये जो बीच में दोनों के बीच में जो इंटरसेशन है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूनियन में, और दोनों का जो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल कॉम्प्लीमेंट में। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेशन बी डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है बाय डी मॉर्गन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेशन का कन्वर्ट हो गया किस में, यूनियन, बी द होल कॉम्प्लीमेंट।
समझ में आ रही बात आपको? तो ये डी मॉर्गन थ्योरम है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश देता, तो आपको क्या करना होता, ये यूनियन का क्या कन्वर्ट होता, इंटरसेशन, और दोनों का जो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है वो किस में कन्वर्ट होता, होल में। तो क्वेश्चन देख के आपको हिसाब से आपको अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट कैसे आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को किससे सब्ट्रैक्ट कर लो, वन से। तो वन से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम लोग ने बी डैश वाला जो एग्जाम्पल देखे थे, बी फाइंड आउट करना है तो बी डैश को वन से सब्ट्रैक्ट किए, तो वैसे यहाँ पे हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इसका डैश दिया हुआ है, इसकी ये फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को किससे सब्ट्रैक्ट कर दो, वन से। तो 1 - 2/3 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 3 - 2, 3 - 2 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 1/3। तो ये जो आंसर आया वही क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेशन बी डैश, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इसके लिए इसका आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ना अभी हम लोग को ये फाइंड आउट करने में हमारे पास ऊपर का टर्म नहीं मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं है, और ये हमको अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग को अभी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी में फॉर्मूला यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। तो ये प्रोबेबिलिटी बी तो मालूम पड़ चुका है, लेकिन ये इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है। तो अभी इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ सी है, हम लोगों को यूज करना है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो आपको ये फॉर्मूले में तीन टर्म मालूम है, ये टर्म आपको नहीं मालूम है, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगी। कैसे, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आप दो तीनों की वैल्यू पुट करो, 1/2 + 1/3 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू 2/3। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व करने में मेरे पास, मैंने तो कैलसी यूज नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है। मैंने डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया, मैंने इधर पे एलसीएम लिया है, एलसीएम मतलब मैंने डिनोमिनेटर में 6 को कॉमन बनाया है। तो 6 को कॉमन बनाने के लिए यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ऊपर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 1 3 / 2 3 6 हो गया। सिमिलरली सेकंड टर्म में भी क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 6 कॉमन बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 3 2 6। ऊपर न्यूमिनेटर में भी 2 1 2, तो 3 + 2 आ गया। सिमिलरली मेरा थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो मुझे भी इधर पे भी 6 कॉमन बनाना है, तो 6 कॉमन बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 3 2 6, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4। तो इसके लिए अब डिनोमिनेटर में 6 कॉमन बन गया, अब ऊपर क्या आ रहा है, 3 + 2 - 4, 3 + 2 होता है 5 5 - 4 1। तो फाइनली आंसर कितना है इसका, 1/6। तो आप डायरेक्टली कैलसी में भी सॉल्व कर सकते हो उसको, ये कोई आपको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे सॉल्व किया, तो एलसीएम लेके सॉल्व किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1/6। नाउ जो कम्स टू द क्वेश्चन, जो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी पूछ रहा है आपसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी क्या होगा, जो फॉर्मूला था अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दोनों भी चीज मालूम पड़ चुकी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/6 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट किए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/3। तो 1/6 डिवाइड बाय 1/3 किए, 3 1 3, 3 2 6, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/2। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी कितना आ गया आंसर, 1/2। तो इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये डी मॉर्गन थ्योरम का बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस तरीके से जब दिया हो रहेगा तो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके इसको यूज करना है। कभी भी क्वेश्चन में अगर डी बी डैश दिया हुआ है तो पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन अक्सर देखा गया आता है पेपर में। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, ये सारे क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड के क्वेश्चन जो मैंने कवर किया हूँ वही टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इसी टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में,
A problem is given to three students, x, y, z, whose chances of solving are 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4. मतलब ये स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, वो तीन स्टूडेंट को दिया जा रहा है, एक्स वाई जेड करके तीन स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम दिया जा रहा है, तो जिनकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है सॉल्व करने की, चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी, तो यानी एक्स वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, आगे रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब एक्स 1/2 से, वाई 1/3 से और जेड 1/4 से. सो वाई वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितनी, 1/3, एंड सिमिलरली जेड वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4. आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको तीन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ईच ऑफ देम, यानी तीनों जन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया. प्रॉब्लम इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट, तो व्हाट विल बी द कंबाइंड, यानी ये होल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो क्या होल प्रोबेबिलिटी रहेगी कि तीनों जन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ देम, यानी तीनों का कंबाइंड, मतलब पूछ रहा है कि प्रॉब्लम तीनों भी जन नहीं सॉल्व कर पाए, ए एक्स ने भी नहीं सॉल्व किया, वाई ने भी सॉल्व किया एंड जेड ने भी नहीं सॉल्व किया, ये दूसरा क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्या प्रॉब्लिबिलिटी रहेगी अगर तीनों को क्वेश्चन प्रॉब्लम दिया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व होके मिलेगा उसकी प्रॉबिलिटी. द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, सॉरी द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी क्या प्रॉबिलिटी रहेगी कि प्रॉब्लम आपको कम से कम एक जन सॉल्व करके देगा. आइए देखते हैं क्या करना है इसका सोल्यूशन. तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी एक्स स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 1/2, यानी एक्स स्टूडेंट सॉल्विंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई दिया हुआ है 1/3, वाई स्टूडेंट सॉल्विंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड दिया हुआ है 1/4, जेड स्टूडेंट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. अब हम लोग क्या करेंगे, सबका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी निकाल के रखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड डैश. क्यों निकाल के रखना है, बिकॉज आगे चल के आपको ये यूज होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश का मतलब क्या है कि एक्स वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा, एक्स स्टूडेंट नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या करना पड़ता है, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो 1 - 1/2 से सब्ट्रैक्ट करो, यानी सॉल्विंग वाली प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको नॉट सॉल्विंग वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डैश भी निकालो 1 से सब्ट्रैक्ट करके, उसका आ गया 2/3, यानी वाई स्टूडेंट नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड डैश निकाल लो, क्या मतलब है इसका, यानी जेड वाले स्टूडेंट नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. अब आ जाओ, पहला स्टेटमेंट क्या था, प्रॉब्लम सॉल्व बाय ईच ऑफ देम, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय ईच ऑफ देम मतलब, यानी एक्स वाला स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहा है एंड वाई वाला स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहा है एंड जेड वाला स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहा है, तो तीनों के बीच में एंड आ रहा है, तो एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. तो इसका स्टेटमेंट जो आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, मतलब तीनों भी जन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व बाय ईच ऑफ देम, तो इसका स्टेटमेंट कैसा होगा, x is also solving and y is also solving and z is also solving, तीनों सॉल्व करें, तो तीनों की जो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तीनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा इट इज 1/12. नाउ सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ देम. नाउ इसको कैसे आप लोग रियलाइज करेंगे, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ देम, इसका मतलब ये हुआ कि x वाला स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं कर रहा है एंड y वाला स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं कर रहा है एंड z वाला स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं कर रहा है, तो तीनों भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ देम, तो कोई भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो x इज ऑल्सो नॉट सॉल्विंग एंड y इज ऑल्सो नॉट सॉल्विंग एंड z इज ऑल्सो नॉट सॉल्विंग, तो जो नॉट सॉल्विंग वाली प्रोबेबिलिटी है तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ऊपर नीचे का 2 कैंसिल, ऊपर नीचे का 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1/4. नाउ ये जो तीसरा स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको खाली रियलाइज करना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा जो आपसे पूछ रहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कम से कम एक जन तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा. यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम वन ऑफ देम प्रॉब्लम को सॉल्व किया. ना आप इसको कैसा रियलाइज करेंगे, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम को, अगर एक जन कम से कम बोला है एक जन सॉल्व कर लेगा, तो अगर दो जन भी सॉल्व करेंगे तो चल लेगा ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तीनों भी जन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलेगा, हमको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उनमें से कम एक जन सॉल्व कर लेता है, इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. हमारा ये सवाल नहीं है कि सब लोग मिलकर सॉल्व करना चाहिए, हमने प्रॉब्लम दिए थे तीनों स्टूडेंट को,
अब तीनों स्टूडेंट में से कम एक जन ने भी सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी, प्रॉब्लम हमको सॉल्व होके मिली, तो उसका मीनिंग ये द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम का मीनिंग ये है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व। समझ में आ रही बात आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब ये हुआ कि हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व होके मिली। अब सवाल ये नहीं हुआ कि एक ही जन ने सॉल्व करके दे दिया कि दोनों जन ने सॉल्व करके दे दिया तीनों जन ने, प्रॉब्लम हमारी क्या हुई यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब ये हुआ कि हमारी प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व कैसे निकलेगा, आपको मैं बता चुका हूं कि सेकेंड स्टेप में क्या आया था, आपने क्या निकाले थे, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ देम। तो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ देम का मतलब क्या हुआ कि तुमको प्रॉब्लम सॉल्व होके नहीं मिली। अगर तीनों भी जन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम सॉल्व होके नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि कोई भी नहीं सॉल्व किया तो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व है। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉब्लम इज सॉल्व निकालना है। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व कैसे आएगा, वन माइनस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो नॉट सॉल्व वाली प्रोबेबिलिटी को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वन से, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। तो अगर नॉट सॉल्व वाली प्रोबेबिलिटी को वन से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व। और यही प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। अगर तीनों में से एक भी जन प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो मतलब क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व इज नथिंग बट वन माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 कर दो तो आपको आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 4। तो ये आपके जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया हूँ ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड है। अभी जो इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो चैप्टर्स कौन सा रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा कि आपको पता है कि कितने मेथड्स है, देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स है। तो तीनों मेथड्स कौन कौन से हैं, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और एक आपका कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट अस सी, पहले हम लोग कवर कर लेते हैं कौन से चैप्टर के क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ, पी ऑफ आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू द पावर एन माइनस। नाउ लेट अस सी, उससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। इफ 10% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम, वन, नन, एट मोस्ट टू विल बी डिफेक्टिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, अगर नॉर्मली 10% जो बोल्ट्स है मशीन जो प्रोड्यूस करती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर आपने 10 बोल्ट को रैंडमली चूज कर लिए तो 10 में से आपको एक डिफेक्टिव मिलेगा, नन का मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं मिलेगा, एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 2 डिफेक्टिव मिलेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा है, गिवन क्या दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे ये पी क्यू लिए हम लोग ने, 10 जो परसेंटेज है 10% इसको पी क्यू लिए, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है नॉर्मली क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस बाय मशीन क्या है, डिफेक्टिव। और आगे चल के भी आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है वो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, डिफेक्टिव मिलने की। तो मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है 10%, ये आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब वो प्रोबेबिलिटी जो हमारे फेवर में है, जो हमको प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड आउट करना है, तो आगे चल के भी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है वो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, डिफेक्टिव मिलने की। और ये जो पहला स्टेटमेंट भी जो दिया हुआ है, गिवन जो डेटा दिया हुआ है, ये काय का दिया हुआ है, आर नॉर्मली क्या है मशीन आर डिफेक्टिव। तो मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, पी दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10%। तो परसेंट में, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो वो 0 0 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया आपका, 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आया आपका, 0.1। नाउ क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे आता है, 1 माइनस पी करके, तो 1 माइनस 0.1 करोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0.9। नाउ टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब कितने रैंडमली बोल्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, तो रैंडमली कितने बोल्ट्स को सिलेक्ट किया गया, 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल क्या रहेगा, 10। नाउ ये क्या देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको क्या पूछ रहा है कि वो 10 में से एक डिफेक्टिव मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आर कितना है, आर इज इक्वल टू कितना है, 1, यानी नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना है, 1। तो पी ऑफ आर के फॉर्मूले में एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर में एन की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू 0.1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की वैल्यू कितनी है, 0.9। तो ये आप लोग सब पूरे फॉर्मूले में डालोगे तो फाइनली आपको कैलसी में सॉल्व करके आर इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.3874।
ना सेकंड इसमें अंदर क्या पूछा हुआ है, नन। नन का मतलब क्या होता है, एक भी डिफेक्टिव नहीं। तो एक भी डिफेक्टिव नहीं मतलब आर इज इक्वल टू कितना यहाँ पे, जीरो। तो वही पी ऑफ आर के फॉर्मूले में आपको अभी आर की वैल्यू क्या रखना है, जीरो रखना है। बाकी सब टर्म का आंसर, सबका टर्म वैसी रहेगा। तो आर इज इक्वल टू जीरो पे जो आंसर आपका आ गया 0.3486। ना थर्ड जो क्वेश्चन आपको बोला गया है वो क्या काई के लिए बोला गया है, एट द मोस्ट टू आर डिफेक्टिव, टू विल बी डिफेक्टिव। यानी एट द मोस्ट, एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको कितने डिफेक्टिव मिलना चाहिए, दो मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो, हाँ उसके आगे नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा दो मतलब आप लोग उसको किस तरीके से रियलाइज करेंगे, इसका मतलब ये होता है आर लेस देन इक्वल टू टू, एट द मोस्ट टू, यानी दो से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम तक दो। मैक्सिमम तक दो मतलब आपको जीरो भी आ गया, वन भी आ गया, और साथ में आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, टू भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या आया, आर लेस देन इक्वल टू टू। तो आर लेस देन इक्वल टू टू में क्या क्या आता है, आर इक्वल टू जीरो यानी एक भी डिफेक्टिव भी नहीं आता है, आर इज इक्वल टू वन एक डिफेक्टिव आता है, और आर इज इक्वल टू टू मैक्सिमम कितने तक बोला है, दो तक बोला है। तो आपको तीनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, एडिशन, क्योंकि आपको एक भी नहीं मिल सकता है, एक मिल सकता है और दो मिल सकते हैं, तो तीनों के बीच में आपको क्या करना है, एडिशन। तो R इज इक्वल टू जीरो का तो आंसर आपने निकाल ही चुके थे, कितना आया था 0.3486, और R इज इक्वल टू वन का भी आंसर आपने निकाल चुके थे 0.3874 था, यहाँ पे 76 लिखा मैंने, 3874। और लास्ट वाला जो आपका क्या है, R इज इक्वल टू टू, तो R इज इक्वल टू टू को आपको फॉर्मूले में डाल के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू आपको क्या रखना है, टू रखना है, तो इसको आंसर आपका आ जाएगा 0.1937। तो तीनों का एडिशन कर लोगे तो आपको फाइनली आंसर आएगा 0.9299। 0.9 मेन है, आगे आपका 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, वो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं मैटर करता है। मेन आंसर 0.9, सिंगल डिजिट, पहला डिजिट आपका 9 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका आंसर ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको एक चीज बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं समझा दूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है, कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ, वेन एवर, अगर जब भी नंबर ऑफ ट्रायल छोटा रहेगा, कम रहेगा, जैसे यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ट्रायल 10 है, तो मैक्सिमम 20 तक का अगर डेटा दिया हुआ रहता है नंबर ऑफ ट्रायल का, तो वहां पे आप लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और अगर नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा रहता है, जैसे 100, 200, 1000, 2000, तो वो केस में आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। तो इन दिस एग्जांपल आप लोग जो यूज कर रहे हो वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, बाइनोमियल, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैंने कवर किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी डेट मैन एज 60 विल लिव टू बी 70, मैन एज 60 विल लिव टू बी 70 इज 0.65, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ 10 मैन नाउ 60 एटलीस्ट 7 वुड लिव टू बी 70। तो ये क्वेश्चन, पहले बात तो स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आता है कि क्या कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन में पूछा बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डेट मैन एज 60, यानी वो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है जो मैन अभी 60 साल का है 70 ईयर्स तक जिएगा 65, यानी ये नॉर्मल सिनेरियो है, 60 साल वाला आदमी 70 साल तक जिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65। तो आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट आउट ऑफ 10 मैन, 10 में से अभी जो 10 लोग है उनमें से नाउ 60, जो अभी कितने साल के 60, एटलीस्ट 7, 10 में से कम 7 वुड लिव टू बी 70। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 10 लोग में से, 10 लोग जो कितने साल के अभी 60 साल, कम से कम 10 में से 7 लोग 70 साल तक जिएंगे। नाउ ये अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहला ये जो प्रोबेबिलिटी 0.65 दिया हुआ है, यानी 60 साल वाला आदमी 70 साल तक जिएगा, और आगे चल के भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 60 साल वाला आदमी 70 साल तक जिएगा, तो मतलब ये जो दिया हुआ है 0.65 इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी ये फेवर वाली चीज है जो हमको फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी 0.65, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी से क्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी करके कितना आ जाएगा 0.35। नाउ नंबर ऑफ ट्रायल कितने के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, कितने लोग हैं रेंडमली, कितने लोग सिलेक्ट किए गए, 10, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 10, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10। नाउ r यहाँ पे अभी आगे क्या लगा दिया, 10 में से कम कितना बोला उसने 7, तो कम से कम 7 है, तो उसके ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, यानी 8 भी हो सकते, 9 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, क्योंकि 10 लोग है ना, मैक्सिमम 10 है, तो 7 से लेकर 10 तक का एटलीस्ट 7 मतलब 7 मिनिमम है, उसके आगे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे r क्या है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 7।
सो प्रोबेबिलिटी आर इक्वल टू सेवन का मतलब होता है आर सेवन भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू एट भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू नाइन भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू टेन भी हो सकता है। तो तीनों के चारों के बीच में और की सिचुएशन है, तो और का मतलब बीच में प्रोबेबिलिटी में क्या होता है प्लस। तो आपको सबको क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है, एक बार आर की वैल्यू सेवन रख के देखना है, फिर बीच में प्लस डालना है, फिर वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या रखना है एट रखना है, फिर आर की वैल्यू नाइन भी रखना है, फिर आर की वैल्यू टेन भी रखना है। तो आपको चारों को सेपरेटली सॉल्व करना है, चारों को सेपरेटली सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो सबके बीच में क्या करना है आपको एडिशन, और एडिशन करके फाइनली जो आंसर आपका आएगा 0.5। तो एटलीस्ट सेवन का मतलब कम से कम सेवन, तो सेवन से लेके कहां तक का जा सकता है आपका टेन तक का जा सकता है, फिर टोटल नंबर ऑफ मेंस कितने हैं दस, तो आपको क्वेश्चन में एटलीस्ट सेवन बोल रहा था। तो आपको सबका फॉर्मूले में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबका निकालना है, निकाल के सबका एडिशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर से जो सेकंड मेथड है, इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ई रेस्ट टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस्ट टू द पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल, वेर ये जो स्मॉल में जो एम लिखा हुआ है ये क्या है, स्मॉल में जो एम लिखा हुआ है वो है मीन, और मीन निकालने का तरीका जो है फॉर्मूला यूज होता है वो एन इंटू पी। तो ये एन वही पुराने एग्जाम्पल के जैसा ही है, नंबर ऑफ ट्रायल, और ये पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एम यूज होता है और एम निकालने का जो फॉर्मूला है वो एन इंटू पी है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, वेर एन इज नंबर ऑफ ट्रायल, वेर पी इज वॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे क्यू नहीं है तो क्यू का लिखने की जरूरत भी नहीं है, आर यहाँ पे क्या है वही सेम नंबर ऑफ सक्सेस। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन। ये इसलिए लिखा हूं मैंने कि सम टाइम अगर हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर वन में दो मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको दो चीज दिया हो रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायल और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हो रहेगा, और पूछेगा आपसे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करो। तो मीन निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ ट्रायल और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, और अगर एसडी पूछ रहा है तो एसडी के लिए आपको क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ मीन करना है। ये इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूं, हो सकता है इन केस अगर दो मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर वन में, इस बार बाइनोमियल की जहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का डाल दे, मीन और एसडी पूछ ले, तो आपको एसडी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एम। ऐसा अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये प्रोवाइड कर दिया हूं। नाउ लेट अस सी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कवर कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक रैंडम वेरिएबल है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, सच डेट उसकी पी ऑफ टू की वैल्यू इक्वल टू पी ऑफ थ्री है, तो आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है पी ऑफ फाइव। यानी एक रैंडम वेरिएबल है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और पी ऑफ टू की वैल्यू इक्वल टू दिया हुआ है पी ऑफ थ्री, और आपसे पूछ रहा है पी ऑफ फाइव फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए क्या करना है, पहले गिवन क्या दिया हुआ है, पी ऑफ टू इज इक्वल टू पी ऑफ थ्री, तो पी ऑफ टू मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या है टू, यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या है थ्री, तो आप वही फॉर्मूला यूज किया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ई रेस्ट टू द पावर माइनस एम, एम रेस्ट टू द पावर आर होता है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है टू, अपॉन में आर फैक्टोरियल होता है तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है टू, तो ये क्या हो गया टू का फैक्टोरियल, इज इक्वल टू की तरफ ई रेस्ट टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस्ट टू द पावर थ्री, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है थ्री, अपॉन नीचे आर का फैक्टोरियल यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल है बिकॉज आर की वैल्यू कितनी है थ्री, तो दोनों को इक्वेट करना है ना, इक्वल टू की तरफ जब दो टर्म सेम होती तो आपस में क्या हो जाती कैंसिल, तो ई रेस्ट टू द पावर माइनस एम लेफ्ट साइड का, ई रेस्ट टू द पावर माइनस एम राइट साइड का, दोनों क्या हो गया कैंसिल, लेफ्ट साइड में एम स्क्वायर है राइट साइड में एम क्यूब है, तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहां से एम स्क्वायर कैंसिल, यहां का उसका पावर का क्यूब बढ़ गया, यहां पे सिर्फ सिंगल एम बचा, तो ये सिंगल एम बचा हुआ है, यहां डिनोमिनेटर में थ्री फैक्टोरियल है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ये डिनोमिनेटर की टर्म कहां पे आ जाएगी न्यूमिनेटर में, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, तो कैलसी में आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हो थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया है बिकॉज थ्री फैक्टोरियल मतलब क्या होता है थ्री से लेके वन तक का मल्टीप्लीकेशन, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है थ्री जो नंबर दिया हुआ है जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसका मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन लास्ट वन तक का करना है, तो थ्री इंटू टू इंटू वन, टू का फैक्टोरियल क्या आएगा टू इंटू वन, तो टू इंटू वन टू इंटू वन कैंसिल, डायरेक्टली आंसर क्या बचा थ्री, तो एम की वैल्यू इस तरीके से आपको क्या आ गई थ्री। ना आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव में आर की वैल्यू क्या रखना है आपको फाइव, तो पी ऑफ आर का फॉर्मूला यूज किया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, आर की वैल्यू क्या रखे फाइव, तो पी ऑफ फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया ई रेस्ट टू द पावर माइनस थ्री, ये माइनस थ्री कहां से मिला आपको, ये एम की वैल्यू थ्री है
ई रेस टू दी पावर माइनस एम में एम की वैल्यू क्या यूज करना है, थ्री यूज करना है क्योंकि थ्री आ गया ना आपका एम का मीन, इंटू थ्री रेस टू दी पावर यानी एम रेस टू दी पावर आर था तो थ्री रेस टू दी पावर आर की वैल्यू ये एग्जाम्पल में क्या है फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। तो आपको ये कैलसी में सॉल्व करना है। तो कैलसी में सॉल्व करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दू, कैलसी में पहले आप लोग ई रेस टू दी पावर माइनस थ्री इंटू थ्री रेस टू पावर फाइव का आंसर निकाल लो, इसका जो आंसर आ जाएगा इक्वल टू करने के बाद में फिर डिवाइड करना फाइव फैक्टोरियल। डायरेक्टली वन शॉट में करने में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए बेटर ये है कि पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना फिर डिवाइड बाय फाइव फैक्टोरियल करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1008। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, और क्या टाइप का एग्जांपल आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, तो एक और ये टाइप का एग्जांपल भी आता है। मैंने वही सब एग्जांपल कवर किया जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द सेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी आपको ये ऑब्जर्वेशन का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। ये ऑब्जर्वेशन में क्या दिया हुआ है, एक्स आई वैल्यू दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 और नीचे क्या दिया हुआ है एफ आई वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू दिया हुआ है 1, 20, 2, 60, 15, 2, 1। नाउ जब ऐसे टाइप का टेबल आता है तो आपको ऐसे टाइप के टेबल के लिए क्या करना है, ऐसे टाइप के टेबल के लिए आपको एक चीज समझ में आती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में क्या यूज होता है, मीन। और ये टेबल से आपका क्या निकल सकता है, खाली मीन निकल सकता है। तो आपको ये टेबल की वैल्यू को देख के आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा हूं, मीन एम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, यानी समेशन एडिशन करना है लेकिन किसका, एफ आई और एक्स आई के मल्टीप्लीकेशन का, यानी ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन का एडिशन करना है। तो पहले आप लोग ये सब चीज को मल्टीप्लाई कर लोगे फिर बाद में सबका एडिशन करोगे। समेशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में नीचे खाली क्या है समेशन ऑफ एफ आई, यानी ये खाली नीचे वाली एफ आई वैल्यू का एडिशन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया हूं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करते चलाऊ, 0 × 122 जीरो हो गया, 1 × 60 क्या हो गया 60, 2 × 15 क्या हो गया 30, 3 × 2 क्या हो गया 6, 4 × 1 क्या हो गया 4, और सबके बीच में क्या करना है एडिशन। और नीचे क्या किया मैंने समीशन ऑफ एफ आई, सबका खाली क्या किया हो एफ आई वैल्यू का क्या किया मैंने एडिशन, तो नीचे एफ आई वैल्यू का एडिशन किया। तो सबका जब न्यूमरेटर का एडिशन करोगे तो 100 मिलेगा और नीचे का एडिशन करोगे तो आपको 200 मिलेगा। 100 डिवाइड बाई 200 यानी 1/2, 1/2 का आंसर आ गया डिवाइड करके 0.5। तो इस तरीके से मीन वैल्यू आ गए, एम इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5। अब यही वैल्यू आपको खाली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में रख दे रहा है। तो पी ऑफ आर इज इक्वल टू ई रेस्ट टू दी पावर माइनस एम, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 इंटू एम रेस्ट टू दी पावर r, तो 0.5 रेस्ट टू दी पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो ये गिवन ऑब्जर्वेशन का क्या फॉर्म हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें खाली आपको m मिला वही m की वैल्यू रखना है, बाकी r एज इट इज ऐसी रहेगा, आपको वो कुछ उसका लेना देना नहीं है। आपको खाली ये टेबल से क्या वैल्यू मिली, मीन वैल्यू, वही मीन वैल्यू खाली फॉर्मूले में रख देना है। तो ये गिवन ऑब्जर्वेशन टेबल का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, एम वैल्यू तक निकालने के लिए 3 मार्क्स और लास्ट का स्टेप लिखने के लिए 1 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार पूछ चुका है बोर्ड के पेपर में। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड विल बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड एटलीस्ट 1 in 104 कंसेक्यूटिव टाइल। अब ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या करना है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है दैट द एज ऑफ स्पेड। नाउ मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि एज ऑफ स्पेड कितना होता है, तो टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ड में एज ऑफ स्पेड यानी स्पेड का एज कार्ड तो एक ही होगा, हर यूनिट का एज कार्ड एक ही होता है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एज ऑफ किसका है, स्पेड का, तो एज ऑफ स्पेड कितना होगा एक ही कार्ड। वन, विल बी ड्रॉन, ड्रॉ होगा फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड, यानी फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड में से, यानी 52 में से एस ऑफ स्पेड मिलेगा एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार, इन कितने ट्रायल में, 104 कंसेक्यूटिव ट्रायल में। तो आपने 104 कंसेक्यूटिव ट्रायल किया है, रेंडमली कार्ड को निकालते रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लमिटी रहेगी कि 104 ट्रायल में कम से कम एक बार आपको एस ऑफ स्पेड मिलता होगा। तो यहां पे एटलीस्ट वन बोला है, हो सकता है आपको 104 बार पूरे ही एस ऑफ स्पेड मिले। तो बात समझ में आ रही है आपको क्या दिया हुआ है। नाउ देखो यहां पे गिवन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायल कितनी बार परफॉर्म किया गया है 104। नाउ ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने 1/52 क्यों लिया हूं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/52 इसलिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या चीज मिलने की बात कर रहा है, एस ऑफ स्पेड, तो एस ऑफ स्पेड होता कितना है, एक ही होता है, और अपॉन में 52 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे इसलिए मैंने स्पेसिफाई दैट इज एस ऑफ स्पेड आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो पूछा हुआ एस ऑफ स्पेड मिलने की बात कर रहा है आउट ऑफ
कितने नंबर ऑफ कार्ड में से, 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 1/52। नो यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है आर, यानी कम से कम एक बार बोला है, कम से कम का मतलब मिनिमम एक बार, उससे ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ना आइए अभी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला हूं नंबर ऑफ ट्रायल भी ज्यादा रहता है और यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एम पहले एम निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन क्या होता है एन इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 104 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 1/52, तो 52 1 52 52 2 104, तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 2। ना अभी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अभी हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते 1 से लेके 104 ट्रायल तक का सबके फॉर्मूले में लिख के करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे आर लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी को किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से, तो क्या मिल जाएगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस आर लेस देन 1, तो 1 माइनस आर लेस देन 1 के लिए, अब आर लेस देन 1 में क्या आता है एक ही आता है आर इज इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी आर इज इक्वल टू 0 की वैल्यू जो करेंगे, यानी पी ऑफ आर के फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो ई रेस्ट टू दी पावर माइनस 2, क्योंकि मीन की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 रेस्ट टू दी पावर 0, क्योंकि 0 इसलिए r की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो इसका जो आंसर आएगा यानी कितना आएगा 0.1352, क्योंकि 2 रेस्ट टू दी पावर 0 भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो खाली आपको e रेस्ट टू दी पावर माइनस 2 का आंसर जो आएगा वही रहेगा इसका आंसर, इसको सब्ट्रैक्ट करो 1 से, तो फाइनली आपको r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, कितना आ गई 0.8646। तो होप आपको ये सम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, डिटरमाइन द चांस दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल मोर देन 2 विल गेट अ बैड रिएक्शन। तो यहाँ पे पहले क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिएक्शन, यानी क्या प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है बैड रिएक्शन मिलने की एक इंजेक्शन से, कितनी है 0.001, तो डिटरमाइन द चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी आउट ऑफ कितने लोग में से 2000 लोग में से मोर देन 2, 2 से ज्यादा लोग को बैड रिएक्शन मिलेगा। तो पहले तो ये बोला है कि सर्टेन इंजेक्शन से जो बैड रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है 0.001, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर 2000 लोग है तो 2000 लोग में से 2 से ज्यादा लोग को बैड रिएक्शन मिलेगा। तो आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ है 0.001, नंबर ऑफ ट्रायल यानी कितने लोग है कितने के ऊपर परफॉर्म हुआ है 2000, तो मीन कितना आ गया एन इंटू पी 2000 × 0.001 कितना आ गया 2। नाउ आपसे अब ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है मोर देन 2, तो आर ग्रेटर देन 2 पूछ रहा है, मोर देन 2 यानी आर ग्रेटर देन 2, तो अभी हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते मोर देन 2 मतलब 3 से लेके 2000 तक सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आर लेस देन इक्वल टू 2, यानी आर लेस देन इक्वल टू 2 की जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दो 1 से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी से, तो आपको क्या मिल जाएगा आर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे r लेस देन इक्वल टू 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 2 काउंट हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या बोला है मोर देन 2, तो मोर देन 2 में 2 नहीं आया, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा r लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 काउंट हो रहा है ना, अभी r लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आता है r इक्वल टू 0 भी आता है, r इक्वल टू 1 भी आता है और r इक्वल टू 2 भी आता है, तो ये तीनों के आंसर को ये पी ऑफ आर के फॉर्मूले में तीनों का आर की वैल्यू रख के, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 रखना है, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखना है, यहाँ पे R की वैल्यू क्या रखना है आपको 2 रखना है, तो तीनों के ये फॉर्मूले में ये सब R की वैल्यू रख के सबका एडिशन करके फिर फाइनली आपको क्या करना है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन में आपको R की वैल्यू यहाँ पे 0 रखे e रेस्ट टू दी पावर माइनस 2 रेस्ट टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे R की वैल्यू क्या रखे आपने 1 रखे और यहाँ पे R की वैल्यू क्या रखे आपने 2 रखे। यहाँ पे मैंने क्या किया अपना शॉर्टकट तरीका यूज किया हूँ, e रेस्ट टू दी पावर माइनस 2 को क्या कर लिया मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 रेस्ट टू दी पावर 0 भी 1 होता है 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसका आंसर 1 ही आया, यहाँ पे 2 रेस्ट टू दी पावर 1 2 होता है अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, यानी 2 रेस्ट टू दी पावर 1 कितना हुआ 2 हुआ। सिमिलरली e रेस्ट टू दी पावर माइनस 2 तो कॉमन ले चुके क्योंकि तीनों में कॉमन है, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 अपॉन में क्या है 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 4 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे भी कितना आ गया 2 आ गया, तो इस तरीके से 2 + 2 + 1 आंसर बचा, तो 2 + 2 + 1 5 होता है और बाजू में e रेस्ट टू दी पावर माइनस 2 कॉमन था। नाउ e रेस्ट टू दी पावर माइनस 2 न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा e रेस्ट टू दी पावर 2, क्यों ऐसा किया क्योंकि क्वेश्चन में e रेस्ट टू दी पावर 2 की वैल्यू दी हुई है, तो मैंने क्या किया 5 जो इसका आंसर आया डिवाइड बाय क्या कर दिया e रेस्ट टू दी पावर 2, तो 5 डिवाइड बाय e रेस्ट टू दी पावर 2 की वैल्यू रखा, जो भी आंसर आया उसको फिर किससे सब्ट्रैक्ट किया 1 से। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आप अपने अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हो,
आप विदाउट टेकिंग ई रेस टू पावर माइनस टू डायरेक्टली इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तीनों को ऐड करो और फिर वन से सब्ट्रैक्ट करो। जैसा आपको फिजिबल लगता है आप वैसा सॉल्व करो, जैसा आपको आसान पड़ता है वैसा सॉल्व करना है आपको। तो आप तीनों को सेपरेटली सॉल्व करो अपना, तीनों को सेपरेटली आंसर निकाल के भी ऐड करो, वन से सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी वही आंसर आएगा, या नहीं तो जैसा मैंने किया हूं यहाँ पे ई रेस टू माइनस टू को कॉमन लेकर डायरेक्टली ऐसा किया हूं तो भी चलेगा। और लास्ट क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन, एक मेथड जो आता है वो कौन सा मेथड का आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो तीसरा मेथड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ना एक चीज यहाँ पे बता दूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हर वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना होता है, जेड में। तो जेड में कन्वर्ट करने के लिए उसका फॉर्मूला यूज होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी, जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जिसकी, वो एक्स है। म्यू यानी मीन, ये दिया हुआ रहता है पेपर में। और सिग्मा यानी आपका क्या दिया हुआ रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्वेश्चन पेपर में दो चीज दिया हुआ रहता है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। आइए वो क्वेश्चन कवर करते हैं क्या किया हुआ है। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन 500 स्टूडेंट अपीयर्स, मीन स्कोर इज 68, एचडी 8, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग नंबर 1 लेस देन 50, मोर देन 60। एरिया हमेशा दिया हुआ रहता है पेपर में, एरिया 0 से लेकर 2.25 तक का एरिया इतना दिया हुआ है, एरिया 1 मतलब 0 से 1 तक का एरिया इतना दिया हुआ है। नाउ यहां पे दो चीज है, लेस देन 50 यानी यहाँ पे x कितना है 50, मोर देन 60 यानी यहाँ पे ये x कितना है 60। तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करो, जितना x है उसका क्या निकाल लो, z निकाल लो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 रख के आपने z उसका निकाले, तो z का फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 50 रखे, माइनस म्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 68, अपॉन सिग्मा कितना दिया हुआ है 8, एचडी 8 दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे z वैल्यू उसकी कितनी आ गई, -2.25। तो x इज इक्वल टू 50 का z वैल्यू कितना आ गया, -2.25। सिमिलरली दूसरा जो x दिया हुआ है वो x कितना दिया हुआ है 60, तो x इज इक्वल टू 60 का आप लोग ने वही z का फॉर्मूला यूज किया x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का। तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 रख के आपने उसकी z वैल्यू निकाले, इसकी z वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो पहली बात, जितने भी क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है जिसकी प्रॉबर्टी फाइंड आउट करना है वो आपका x होता है, हर एक x का आपको क्या निकालना है, z वैल्यू। तो ये फॉर्मूला यूज करके x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा यूज करके आपको क्या निकालना है, उसका z वैल्यू। नाउ जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, लेस देन 50, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी x में, यानी ये x में है ना 50, ये 50 किस में, x में। तो ये क्या है, x लेस देन 50, तो इसका z में कैसा लिखा जाएगा, ये x को आपने z में क्या निकाले, प्रोबेबिलिटी z लेस देन, तो x इज इक्वल टू 50 का z क्या आया, -2.25। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूं यही स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 50 को z में कैसा लिखना है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -2.25। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ मैंने बनाया हूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का z एक्सिस का पूरा एरिया कितना होता है, टोटल 1, यानी राइट साइड का एरिया भी 0.5, लेफ्ट साइड का एरिया भी कितना होता है 0.5, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है राइट साइड और लेफ्ट साइड को। तो अगर टोटल z एक्सिस का एरिया 1 है तो राइट साइड का एरिया भी कितना होगा 0.5 और लेफ्ट साइड का एरिया भी कितना होगा 0.5। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या आ रहा है, z लेस देन -2.25, तो -2.25 लेफ्ट साइड में होगा। अब इसके आगे का एरिया लेस देन -2.25 यानी इसके आगे का एरिया, ये आगे के एरिया लेस देन होते हैं, लेस देन, तो लेफ्ट साइड में z लेस देन -2.25। अगर इसका पिक्चर राइट साइड में देखा जाएगा तो कहां पे मिलेगा आपको, इसका आपको पिक्चर जो मिलेगा सेम रिप्लिका जो राइट साइड में मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, z ग्रेटर देन 2.25 पे, क्योंकि दिख रहा है ना आपको ये नेगेटिव में लेस देन -2.25, ये इधर के आगे के लेफ्ट साइड के आगे के पूरे एरिया आ गए। तो इसका रिप्लिका सेम इमेज राइट साइड में कहां पे दिखेगी, z ग्रेटर देन 2.25। तो अभी हम लोग क्या करना है, ये z लेस देन -2.25 सेम इज नथिंग बट राइट साइड में क्या बोला जाता है, z ग्रेटर देन 2.25। तो अब हम लोग को z ग्रेटर देन 2.25 एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका कैसे आएगा, इसका एरिया कैसे आ सकता है आपका z ग्रेटर देन 2.25, तो ये राइट साइड में पिक्चर बनाया हुआ है। तो राइट साइड का टोटल एरिया कितना होता है 0.5, 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो कहां से कहां तक का, 0 से लेकर 2.25 तक का एरिया हो। तो क्वेश्चन में हमेशा एरिया दिया होता है 2.25 तक का एरिया, यानी 0 से लेकर 2.25 तक का एरिया इतना दिया हुआ है। तो आपको अभी z ग्रेटर देन 2.25 एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल राइट साइड का एरिया कितना है 0.5, 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, 0 से लेकर 2.25 तक के एरिया को। तो 0.5 इसलिए मैंने लिखा हूं प्रोबेबिलिटी एरिया यानी राइट साइड माइनस z0 टू z2.25। तो 0.5 माइनस 0 से लेकर 2.25 तक का एरिया कितना दिया हुआ है 0.4878। तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ग्रेटर देन 2.25 का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 0.0122। ना आपसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से।
तो प्रोबेबिलिटी 0.0122 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 500, तो मल्टीप्लाई करके आपको आएगा 6.1। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप लोग क्या बोलेंगे, 6, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 6.1 नहीं होते, तो अप्रोक्सीमेट करना है आपको 6। ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है मोर देन 60, तो प्रोबेबिलिटी मोर देन 60 में एक्स ग्रेटर देन 60 है, तो ये एक्स का आपने जेड वैल्यू क्या निकाले, 60 का जेड वैल्यू क्या निकाले, ग्रेटर देन सॉरी इजिकल टू कितना निकाले, -1। तो यहां पे एक्स ग्रेटर देन 60 है तो जेड ग्रेटर देन क्या हो गया, -1। तो अब आपको ये जेड ग्रेटर देन -1 निकालना है। तो अब इसका जेड ग्रेटर देन -1 कैसे बनेगा, इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ये जीरो है। अब यहाँ पे आपको z ग्रेटर देन -1 निकालना है, तो z ग्रेटर देन -1 ये लेफ्ट साइड में -1 का एरिया, अब इसके आगे का z ग्रेटर देन बोल रहा है, तो इसके आगे के पूरा एरिया z ग्रेटर देन -1। तो मतलब इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो देखो पूरा राइट साइड का एरिया आ रहा है, ये एरिया पूरा राइट साइड का है जिसका टोटल एरिया कितना होता है 0.5, और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है जीरो से लेके -1। तो मैंने आपको बता चुका हूं जो चीज नेगेटिव में होती है उसको कहां पे घुमाना होता है, राइट साइड में। तो जीरो से लेके -1 का राइट साइड का एरिया सेम राइट साइड में कहां पे दिखेगा, 0 से 1। तो आपको क्या करना है, टोटल राइट साइड एरिया प्लस एडिशन विद क्या करना है, 0 to 1 एरिया। तो z ग्रेटर देन -1 इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी राइट साइड प्लस 0 to 1। तो दोनों को आपको याद करना है पे एडिशन, क्योंकि z ग्रेटर देन -1 का पूछ रहा था एरिया, तो 0 का एरिया ग्रेटर देन -1 में राइट साइड भी आ रहा है टोटल पूरा आ रहा है, और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 0 to 1 आ रहा है। तो दोनों का एडिशन करेंगे, क्योंकि 0 to 1 एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, कितना दिया हुआ है 0 to 1, यानी एरिया 1 दिया नहीं, 0 to 1 कितना 0.3413। तो आप दोनों का एडिशन करो तो आंसर आ जाएगा 0.8413। और नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिया हुआ है 500। तो आप उसको क्या करो, 500 से मल्टीप्लाई करो जो प्रोबेबिलिटी आई इसकी, 0.8413 मल्टीप्लाई बाय 500, तो इसका आंसर आया 420.65। तो 425.6 पॉइंट को राउंड ऑफ कर सकते हो, मोर देन 0.5 से ज्यादा है 0.5 से, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 421। तो अप्रोक्सीमेटली 421 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 में से जिन लोगों ने क्या स्कोर किया, मोर देन 60 स्कोर किए, और अप्रोक्सीमेटली 6 स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ 500 क्या स्कोर किया, लेस देन 50। तो आई होप आप लोग को ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने भी लेफ्ट साइड के एरिया उसको आपको कहां पे घुमाना है, राइट साइड में, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जो एरिया लेफ्ट साइड में वही सेम एरिया आपको कहां पे मिलता है, राइट साइड में, और राइट साइड का एरिया 0.5, लेफ्ट साइड का एरिया भी टोटल कितना है 0.5, तो वो हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो दैट्स ऑल, ये मेरा प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड चैप्टर का पूरा एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये समझ में आएगा, जो भी प्रॉब्लम हो जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।